तो आप लोगों ने थंबनेल देख लिया होगा, आज का टॉपिक होने वाला है कि अगर आप लोगों की मेडिकल रिपोर्ट अनफिट आती है तो आप लोग दोबारा से मेडिकल कितने दिन में करवा सकते हैं। यानी कि अगर आप लोगों की अनफिट रिपोर्ट है, अगर सेंटर ने उसे ऑनलाइन कर दिया है तो कितने दिन के बाद मेडिकल करवा सकते हैं, अगर उन्होंने ऑनलाइन नहीं किया है तो कितने दिन के बाद मेडिकल दोबारा करवा सकते हैं। तो इसकी मैं पूरी इन्फॉर्मेशन पूरी डिटेल के साथ बताने वाला हूँ। बहुत से लोगों के इसी तरीके के सवाल आ रहे थे कि मेरा मेडिकल अनफिट हो गया है, अब मैं दोबारा कितने दिन के बाद करवा सकता हूँ मेडिकल। तो उन लोगों के सवालों के जवाब इसी वीडियो में मिलने वाले। और एक नया रूल आया है गमका मेडिकल से रिलेटिव, तो आगे इसी वीडियो में मैं बताने वाला हूँ, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप अच्छे होंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जैसे कि आप लोगों ने गमका मेडिकल करवाया है, करवाने के बाद में आपकी जो रिपोर्ट होती है वो अनफिट आती है। अगर आपको सेंटर वाले बताते हैं कि आपकी रिपोर्ट अनफिट आई है, अगर वो रिपोर्ट ऑनलाइन कर देते हैं तो आप लोगों को कम से कम 2 या 3 महीने के बाद ही दोबारा मेडिकल करवाना पड़ेगा। जैसे ही आप लोग ऑनलाइन गमका मेडिकल की वेबसाइट पर जाएंगे, वहाँ पर आप अपना पासपोर्ट नंबर और भी डिटेल डालेंगे तो वहाँ पर अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि आप लोगों की जो रिपोर्ट है अनफिट की वो ऑनलाइन कर दी गई, इसी वजह से आप लोग दोबारा अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप लोगों की अनफिट की जो रिपोर्ट है वो आप लोगों की अगर ऑनलाइन नहीं हुई है तो आप लोग 1 महीने के बाद दोबारा से अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि जो स्लिप होती है गमके की, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट आप लोग लेते हैं, उसकी वैलिडिटी 1 महीने की होती है, 1 महीने के बाद दोबारा से अप्लाई किया जा सकता है। जो ऑनलाइन स्लिप लेते हैं आप लोग गमका मेडिकल की अपॉइंटमेंट लेते हैं, उसकी वैलिडिटी 1 महीने की होती है। आप किसी भी GCC कंट्री में जाना चाहते हैं, ओमान, कतर, कुवैत, बहरीन, सऊदी अरब, किसी भी कंट्री में जाना चाहते हैं, तो आप लोगों को मेडिकल फिट चाहिए, यानी कि अनफिट रिपोर्ट आएगी तो आप लोगों को कम से कम 2 से 3 महीने का वेट करना पड़ेगा। और अगर आप लोगों की जो फिट रिपोर्ट होती है उसकी वैलिडिटी कितनी होती है, यानी कि आप लोगों का जो मेडिकल है वो फिट हो जाता है, फिट होने के बाद वो कितने दिन तक वैलिड रहेगा, यानी कि अगर आपका वीज़ा नहीं लगा है तो आप लोगों की जो रिपोर्ट है वो 2 महीने तक वैलिड रहेगी। पहले ये 3 महीने तक वैलिड रहती थी, लेकिन इसको घटा के अब 2 महीने कर दिया गया है। जो भी आपका वीज़े का प्रोसेस है वो 2 महीने के अंदर करना पड़ेगा। अगर 2 महीने के अंदर नहीं हुआ तो आपकी मेडिकल की जो रिपोर्ट है वो एक्सपायर हो जाएगी। पहले मेडिकल रिपोर्ट की जो वैलिडिटी होती थी वो 90 दिन की होती थी, अब 60 दिन की हो गई। लेकिन एक न्यू रूल आया है, उससे आप लोगों को फ़ायदा मिलेगा। जैसे कि आप लोगों का जो वीज़ा लगता था, पहले कोई भी वीज़ा होता था उसमें आपकी मेडिकल रिपोर्ट अटैच कर दी जाती थी और आपका वीज़ा लग जाता था। अब ऐसा नहीं होगा, अब आप लोगों को पहले मेडिकल करवाना पड़ेगा, मेडिकल की रिपोर्ट आपकी फ़िट है, वो रिपोर्ट सऊदी अरब जाएगी, उसके बाद आपका वीज़ा आपके नाम से आएगा। पहले इस तरीके से नहीं होता था। पहले क्या होता था, एजेंट बोलते थे वीज़ा रेडी है, आप लोग मेडिकल करवा लीजिए। अगर 2-4 बंदे मेडिकल करवाते थे, उसके बाद में जिन बंदों की रिपोर्ट फिट होती थी तो वो वीज़ा उसी को मिल जाता था, यानी कि उसी का वीज़ा स्टाम हो जाया करता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब आप लोगों को पहले मेडिकल करवाना पड़ेगा, मेडिकल करवाने के बाद में आपकी रिपोर्ट अगर फिट है वही सऊदी अरब जाएगी, उसके बाद में आपके नाम से वीज़ा आएगा। और एक बंदे ने सवाल किया था कि मेरी रिपोर्ट अनफिट आई है, अब मैं कितने दिन के बाद दोबारा मेडिकल करवा सकता हूँ? भाई, आपने मेडिकल करवाया है, अगर अनफिट रिपोर्ट आई है, अगर आपकी रिपोर्ट सेंटर वालों ने ऑनलाइन कर दी है तो आपको कम से कम 2 या 3 महीने का वेट करना पड़ेगा। अगर ऑनलाइन नहीं किए तो आप 1 महीने के अंदर उसे चेक कर सकते हैं दोबारा, गमका मेडिकल की वेबसाइट पे जाके दोबारा से अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप लोगों को अपॉइंटमेंट मिल रही है तो ठीक है, नहीं तो 2-3 महीने का वेट करना पड़ेगा। अगर आप लोगों का कोई भी सवाल है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।